आज आप लोगों को गोल्ड के अंदर बाई करना है कि सेल करना है। इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर जितने भी लोग फॉरेक्स के अंदर गोल्ड में इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, तो उन लोगों को आज यहाँ पे बाई करना है कि सेल करना है, क्योंकि बहुत से लोगों ने यहाँ पे कल बाई किया है और बहुत से लोगों ने कल सेल किया है। कुछ लोग अभी सेल में फंस चुके होंगे और कुछ लोग यहाँ पे बाई में फंस चुके हैं, स्पेशली जिन लोगों ने कल की डेट में बाई किया था। तो आज आप लोगों को क्या बाई जो आपने होल्ड करके रखा है उसको होल्ड करना है या आपको एग्जिट करना है। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए होंगे तो सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और अगर आपने कल का हमारा एनालिसिस देखा होगा जो हम हर दिन सुबह देते हैं गोल्ड के ऊपर, तो मैं श्योर करके बोलता हूँ कि आपने 100% मार्केट से कल की डेट में 100 से 150 तक का 150 पिप्स तक का प्रॉफिट निकाला होगा और आपने अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया होगा अगर आपने कल का एनालिसिस देखा होगा। कल का क्या, अगर आप हमारा डेली का एनालिसिस देखते हो तो आप डेली ही यहाँ पे प्रॉफिट बुक करते होंगे। तो चलो सबसे पहले अभी हम देखते हैं, अभी हमारी मार्केट जिस टाइम मैं वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ अभी है 1926 पे। तो यहाँ पे आपको 5 मिनट के ऊपर आपको थोड़ा सा साइड व्यू देखने को मिलेगी कि यहाँ पे इस वाले में मार्केट यहाँ पे चल रही है। और इससे पहले आप अगर इसको मैं थोड़ा छोटा करूँ, यहाँ पे रिफ्रेश करूँ, क्योंकि कल की डेट में मार्केट कहाँ से गिरी, यहाँ पे कल हमारी मार्केट थी 1942 के पास सुबह मॉर्निंग में, हमारी मार्केट ऑलमोस्ट यहाँ यहाँ पर थी, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे तो यहाँ पे 1938 आसपास यहाँ पे थी मार्केट, जब सुबह यहाँ पे लोगों ने, क्योंकि यहाँ पे आप देखो थोड़ा सा मार्केट जब यहाँ पे पहुँची थी 1938 के पास, तो लोगों ने बाइंग करना स्टार्ट कर दिया था। लेकिन उससे पहले आपको मैंने कल यहाँ पे एक चीज़ बोला था कि आपको बाइंग तभी करनी है, आपको मैंने एक पैटर्न शो किया था कि अगर मार्केट इस पैटर्न को ब्रेक करेगी, क्योंकि मार्केट हमारी अप ट्रेंड में थी। लेकिन अप ट्रेंड का मतलब ये नहीं है कि आप कंटिन्यू बाइंग करोगे, आपको देखना है अप ट्रेंड में भी 200 पिप्स का यहाँ पे देखो ये वाला पैटर्न था हमारा, कि मार्केट हमारी कल इसी पैटर्न को यहाँ पे छू रही थी, यहाँ पे हमारी कल मार्केट थी, ठीक है, ऑलमोस्ट इस पॉइंट पे थी, यहाँ पे इस जगह में थी। तो मैंने बोला था जैसे ही मार्केट इसको ब्रेक करेगी तो आपको फिर थोड़ा सा इस तरह से यहाँ पे ऊपर के लिए जाएगा, जो यहाँ पे हुआ है, मतलब रिटेस्ट किया है, रिटेस्ट करने का आपको सेल करना है। तो अगर नहीं ब्रेक करके तो बाई करना है। देखो यहाँ उसके बाद देखो आप सीधे रिटेस्ट यहाँ पे दिया है, तो इसीलिए बोलते हैं आपको रिटेस्ट। आप मैं आपको ये 1 आवर के ऊपर दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो देखो रिटेस्ट आपको दिखा रहा है, यहाँ पे पहले ब्रेक किया है फिर ऊपर। तो ये रिटेस्ट क्यों करता है, इसका क्या मतलब होता है, ये अगर आपको थोड़ा बेसिक का पता होगा, क्योंकि यहाँ पे जितने भी सेलरी हैं बायर होते हैं वो एक दूसरे दूसरे को ये होते हैं कि एक बंदे का यहाँ पे स्टॉप लॉस सेट हो तो दूसरे फिर यहाँ पे मार्केट को एकदम से घुमा पाए। तो पहले जिन लोगों, जब मार्केट ने इसको ब्रेक किया तो बहुत से लोगों ने सेलिंग का लगा दिया होगा और बहुत से लोगों ने यहाँ पर फिर क्या किया, अपना स्टॉप लॉस थोड़ा ऊपर रखा होगा यहाँ पर इस जगह में, तो फिर यहाँ पर थोड़े से उन्होंने ऊपर मार्केट को छोड़ दिया ताकि बायर यहाँ पर आ जाए। तो बायर ने ट्राई किया थोड़ा ऊपर, जिन लोगों ने सेल किया स्टार्टिंग में ही, तो उनका स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो फिर थोड़ा उसमें था ना वो, मतलब कम आ गए सेलर, तो बाकी सेलर ने फिर एकदम से मार्केट को नीचे गिरा दिया। फिर यहाँ पे देखो शाम को एक न्यूज़ थी, तो उसमें देखो देखो कि मार्केट ऊपर गई है, फिर उसके बाद फिर से सेम उसी डायरेक्शन में नीचे आ गई है। तो ऑलमोस्ट यहाँ पे अभी है 1926 के पास, तो 180 पिप के आसपास का यहाँ पे आपको गैप अप कल के डेट में मिला है। तो कितने लोगों ने, आप यहाँ पे जितने भी लोग आप में, कितने लोग नए हैं जो पहली बार आ रहे हैं और जो यहाँ पे पहले भी हमारी एनालिसिस को रोज़ देखते हैं, तो उनमें से कितने लोगों ने कल का एनालिसिस देखा होगा और फिर ट्रेड लगाया होगा। क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि आपको मैं यहाँ पे पैटर्न दिखाता हूँ, वो आपको अपने ट्रेडिंग व्यू के ऊपर भी ड्रा करना है। अगर आपको पैटर्न वगैरह ड्रा नहीं करना था, आपको डायरेक्ट हमारे सिग्नल चाहिए, तो नीचे व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक है, उसमें ज्वाइन होकर आप हमारे डेली के सिग्नल्स पा सकते हो। या आपके पास टाइम नहीं है ट्रेडिंग करने का तो आप लोग सीधे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होकर मेरे को पर्सनली कॉन्टैक्ट कर सकते हो। हम आपको वहाँ पर अकाउंट मैनेजमेंट की सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा हम आपको पूरा कोर्स भी सिखाते हैं इसी चैनल पर, मैंने पूरा कोर्स डाल रखा है। और अगर आपको उतना टाइम नहीं है कि आप सारी वीडियोस देख पाओ, तो एक शार्ट में आपको प्ले स्टोर पर जाके ट्रेडिंग गुरु ऐप डाउनलोड करनी है, वहाँ पे आपको उसके अंदर सारे कोर्स मिल जाएंगे, बहुत ही कम टाइम के अंदर आप सीख सकते हो। बाकी अगर आप डेली ट्रेडिंग करते हो तो आपको हर दिन मॉर्निंग में सुबह पहले हमारा ट्रेड एनालिसिस देखना है, उसके बाद आपको यहाँ पे लेना है। तो अब देखते हैं कि आज कल, मतलब आज क्या होने वाला है मार्केट में। सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको एक इंडिकेटर दिखाऊंगा, इसका आपको यूज़ करना चाहिए, वॉल्यूम वेट एवरेज प्राइस। तो ये अगर आप देखोगे यहाँ पे, मैं इसको आपको 15 मिनट के ऊपर दिखाता हूँ, 1 घंटे के ऊपर भी चलेगा ये। तो देखो आपको अगर इसका थोड़ा सा पता होगा कि ये दिखा रहा है कि मार्केट में जो सेंटर वाली आपको लाइन दिख रही है, ये वाली लाइन, तो इससे अभी मार्केट बहुत नीचे है। तो मतलब ये क्या होता है कि ये जिस रेंज में चल रहा होता है मार्केट, इससे दूर जाती है पहले, तो दूर जाने के बाद फिर मार्केट एक ना एक टाइम पर इसको टच करती है जाके। तो अभी बहुत दूर जा चुकी है, तो
अगर मैं आपको यहाँ पर ये भी दिखाऊँ अब 1 घंटे के ऊपर, तो देखो यहाँ पे अभी ये सपोर्ट वाले एरिया में भी आ चुका है, ठीक है, जहाँ पे अभी ये है। तो देखो ये लाइन मैं ऑलरेडी यहाँ पे ड्रा कर चुका हूँ, यहाँ पे सपोर्ट है इस वाले एरिया में, ये जो रेड लाइन है ये यहाँ पे स्पोर्टिंग जोन इसका अच्छा खासा है। तो यहाँ से मार्केट में आप लोग बाइंग का कल दिन कर सकते हो प्रॉपर, क्योंकि पूरा टूट गया। लेकिन अगर 1926 को ब्रेक कर देती है कल, तो आप फिर यहाँ पे होल्ड कर सकते हो 1920 तक, फिर आपको वेट करना है सेलिंग का। और 1920 के बाद अगर यहाँ पे फिर रिटेस्ट करते हो ऊपर के लिए, तो फिर बाइंग बनेगा, वरना फिर यहाँ पे 1900 को मार्केट टच कर सकती है। और यहाँ पे फिर आप देखोगे कि यहाँ पे ये वाला जो जोन है इसमें आपको कुछ भी ट्रेड नहीं लगाना है, जो ये वाला लाइन है इसमें आपको ट्रेड नहीं लगाना है। लेकिन होपफुली मुझे लगता है कल यहाँ पे जहाँ पे भी मार्केट है थोड़ा सा नीचे आ सकती है, लेकिन उसके बाद क्योंकि यहाँ पे अच्छी खासी सपोर्ट है इसको, तो यहाँ से अगर नहीं भी आती है ऊपर, तो तब आपको फिर इस यहाँ तक फिर 1920 तक सेलिंग करना है, उसके तक को वेट करना है। यहाँ से मार्केट वापस ले सकती है मोमेंट, और फिर आपको बाइंग यहाँ पे बन सकता है आपका 1936 तक कन्फर्म बाइंग है जहाँ पे अभी है। अगर यहाँ से मुड़ती है तो आप यहाँ पे 1936 तक के लिए अच्छी खासी बाइंग ले सकते हो, और वहाँ पे एक सपोर्टिंग जोन है। तो आपको जो हमारा ये है वी वैप, ये भी दिखा रहा है कि देखिए प्राइस इससे दूर जा चुका है, तो आप प्राइस ट्राई करेगा इसके आसपास आने का। आपको मैं 15 मिनट के ऊपर दिखाता हूँ ये जो हमारा इंडिकेटर है कैसे काम करता है, देखो आपको पूरा दिखाऊंगा जाएगा। इससे प्राइस पहले दूर भी आ जाता है, देखो पहले यहाँ पे था नज़दीक, इसके इसी के पास था, तो प्राइस यहाँ से देखो नीचे भाग गया और ये लाइन यहाँ से चल रही थी, फिर एक जगह आया और इसको टच किया, ठीक है, और फिर वहाँ से प्राइस भागा नीचे वापस, और अभी वो लाइन बहुत दूर है। तो ये ऐसा हमेशा होता है कि जब ये इसके प्राइस इसके पास होता है तो आपको उस टाइम ट्रेड लगाना होता है, मतलब प्राइस वहाँ से भागेगा या ऊपर के लिए या नीचे के लिए, वो आपको देखें कि कौन सा पैटर्न बन रहा है, क्या ट्रेंड चल रहे हैं, वो देख के आपको लगाना है। लेकिन अभी दूर है, तो इसके बाद अभी मार्केट कोशिश करेगी कि इसके पास जाने की, तो ये आपको ध्यान में रखना क्योंकि अभी इससे दूर है। तो बाकी अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ 15 मिनट के ऊपर, या आपको मैं 2 आवर के ऊपर आपको दिखाता हूँ MACD हमारा क्या कह रहा है, कि हम उसको भी चेक करते हैं यहाँ पे। बाकी हमारा पैटर्न जो वाइज है उस हिसाब से देखो, अभी यहाँ पे दिखा रहा है कि ये सेलिंग में है, क्योंकि अभी कंटिन्यू सेलिंग ही 1 आवर के ऊपर है। लेकिन यहाँ पे अभी ट्रेंड चेंज हो सकता है, क्योंकि नीचे सपोर्ट बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, तो इस सपोर्ट पे मार्केट उठ सकती है, ये आपको देखना है। अगर यहाँ से मार्केट सपोर्ट लेती है तो 1936 तक आप आराम से बाइंग कर सकते हो, और कल के डेट में यहाँ पे बाइंग बन सकती है। उसके अलावा एक और चीज़ पे आपको ध्यान रखना है, वो है हमारा DXY। तो चलो हम DXY को भी देखते हैं कि वो क्या कह रहा है, क्योंकि DXY आप ये समझ लो कि DXY ऊपर जाएगा तो गोल्ड नीचे आएगा, और अगर हमारा DXY नीचे जाएगा तो गोल्ड ऊपर उठेगा। देखो DXY ऑलमोस्ट अपना टॉप लगा चुका है पिछले 3 मंथ का, 15 मिनट के ऊपर अगर देखोगे आप, तो इसने एक टॉप लगाया, और यहाँ से इसका है कि ये एक एम पैटर्न बना के नीचे गिरेगा, क्योंकि देखो यहाँ से ये ऐसे गया है ऊपर, दिखाता हूँ, क्योंकि एम पैटर्न यहाँ पे मुझे दिख रहा है बनते हुए ये, और ये अभी ये ऐसे कुछ जा रहा है, तो मान लो यहाँ तक जाएगा फिर से, और फिर ये गिरेगा नीचे भी, गिर सकता है लंबा, तो मतलब गोल्ड हमारा अच्छा खासा उठ सकता है ऊपर। लेकिन अभी जहाँ पे गोल्ड है यहाँ पे कोई अपट्रेंड हमें नहीं मिल रहा है कि आप कंफर्म देखो, अभी नीचे ही जा रहा है जिस टाइम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो लेकिन यहाँ पे हमें मिल मतलब है कि इस एरिया में अभी आगे सपोर्ट अच्छी खासी है 1920 तक मैक्सिमम। देखो ये जो लाइन है हमारी यहाँ पे 1924-25 के आसपास अभी है, तो यहाँ से मार्केट के चांसेस हैं प्रॉपर, वो आपको देखना है। अगर यहाँ पे ब्रेक होती है मार्केट तो आपको फिर सेलिंग ही करना है, क्योंकि अपट्रेंड का ऐसा कुछ अभी नहीं दिख रहा है। लेकिन यहाँ पे आपको 1 या 2 घंटे के अंदर अगर आप देखोगे यहाँ से, जैसे ही कोई आपको कैंडल मिलेगी यहाँ पे 1-2 घंटे के अंदर अच्छा खासा सपोर्ट लेते हुए, तो आप लोग फिर लॉन्ग यहाँ पे 1936-40 तक आप बाइंग ही करना उसके बाद। लेकिन जब तक ये हमारा डाउन ट्रेंड ख़त्म नहीं होता, अभी कंटिन्यू डाउन ट्रेंड चल रहा है, तो किसी को भी डाउन ट्रेंड में बाइंग नहीं लगाना है। तो अभी बाइंग हमारी कन्फर्म नहीं है, लेकिन आप लोग सेलिंग तभी करना, क्योंकि अभी ये एट द एंड पहुँच चुका है। अगर यहीं पर आप 1925-1926 के आसपास आप सेलिंग नहीं करोगे, क्योंकि ये वो जोन आ चुका है जहाँ से मार्केट अब रिवर्स जा सकती है, क्योंकि ये वाला जो एरिया ये बहुत खतरनाक एरिया है। यहाँ पे देखोगे आप सपोर्ट है, और हमारा प्रॉपर यहाँ पे बनेगा, अभी मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेगी। तो जितने भी इंडिकेटर हैं वो भी अभी यही इंडिकेट करें, जैसे ये आपको मैं इसका मैं यूज़ करता हूँ, तो ये अभी प्रॉपर दिखा रहा है कि प्राइस इससे दूर जा चुका है, और आप यहाँ पे ट्राई करेगा प्राइस के वो इसके नज़दीक जाए। तो अभी हम 5 मिनट के ऊपर देखते हैं कि क्या दिखा रहा है। बाकी हम कल इसी चैनल पर लाइव भी आएंगे, लाइव जुड़ने के लिए हमारे साथ आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, नोटिफिकेशन ऑन रखो, और व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाओ। नीचे मैंने दोनों की लिंक दे रखी है, हमारे जितने भी अपडेट्स जितने भी लेटेस्ट वीडियोज़ आती है हम वहाँ पर शेयर करते हैं, और इसी यूट्यूब चैनल पर आपको सारे अपडेट भी मिलते रहेंगे। तो
तो फ्रेंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और हर दिन आपको डेली गोल्ड के एनालिसिस आपको मिलेगा, और प्रॉपर सिंगल फॉलो करने के लिए जो हम ट्रेड लगाते हैं वो आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएंगे, टेलीग्राम ग्रुप में, नीचे ज्वाइन हो जाओ। थैंक यू।